हेयर फॉल के कुछ नुस्खे बताऊंगी जो हम घर बैठे बहुत प्यार से कर सकते हैं। देखो आज के टाइम में इतनी महंगाई है और आज के टाइम में देखो पानी कितना गंदा आ रहा है। इतना गंदे पानी में हमारे जो बाल हैं, हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत फॉलिंग वाला है। हम आज के टाइम में जो नॉर्मल आज हम किसी से भी पूछते हैं कि आपके बाल कैसे हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि बहुत फॉलिंग होती है, बहुत फॉलिंग होती है। तो हम इस फॉलिंग को कैसे रोक सकते हैं? हमें आप जब भी कोई सैलून में जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आप हेयर स्पा लो, हेयर स्पा लो, हेयर स्पा के हेयर स्पा कराने से आपकी हेयर फॉल रुक जाएगी। एक टाइम में नहीं रुकती, दो टाइम में नहीं रुकती, तीन टाइम में नहीं रुकती, कम से कम 5 या 6 बार हमें कराना पड़ता है। यानी कि 5 या 6 बार लगा लो, 6,000 हमारे खत्म। ये नहीं है कि आपके बालों में फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लेकिन हम इसे पार्लर में क्यों वेस्ट करें, क्यों अपनी वेस्ट मनी करें? हम इन सब पैसों को सेव कर लो, सेव करके हमें जो आज मैं आपको घर का जो घरेलू नुस्खा बताऊंगी आप उसे अप्लाई करो, उसे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। एक टाइम में नहीं, दो टाइम में नहीं, थ्री या फोर टाइम में आपको जरूर फर्क नजर आएगा आपके बालों में। कैसे? मैं जो आपको अभी बताने वाली हूँ आप उसे बहुत ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक या व्हाटएवर किसी चीज में भी नोट कर सकते हैं। देखो फर्स्टली आप थोड़ी सी क्या लो, आप सबसे पहले अपने हेड वॉश कर लो अपने खुद के शैम्पू से, शैम्पू हेड वॉश कर लो। आप उसके साथ कंडीशनर अप्लाई नहीं करोगे, कंडीशनर अप्लाई नहीं करना। फर्स्टली शैम्पू से हेड वॉश कर लिया, प्लस गुनगुना पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद और 1/2 ग्लास कच्चा दूध। जब आप अपना हेड वॉश कर लेंगे तो उसके बाद जो मैंने आपको पानी अभी बताया है, गुनगुना पानी प्लस 1/2 ग्लास कच्चा दूध और 1 चम्मच शहद, उसे हम अपने बालों में उसी पानी से हम अपने बालों को दोबारा, जिसको बोलते हैं अघालना, एक बार सिर से पानी से निकाल लेना, उस पानी से हम अपने बालों को निकालेंगे। निकालने के बाद जब हमारे बाल सेमी ड्राई हो जाएंगे, आधे सूखे और आधे गीले, तो हमें क्या करना है, हमें जितने हमारे हेयर की लेंथ है उसी अकॉर्डिंग हमने कर्ड लेनी है। कर्ड लो, उसमें एक एग उसमें डालो और बाय पार्ट जो नीचे से पार्ट बाय पार्ट निकलता है हमें उसे उसी अकॉर्डिंग उस कर्ड और एग को अप्लाई करना है अपने बालों में। अप्लाई करने के बाद उसे 2 घंटे आप छोड़ सकते हैं, पूरे 2 घंटे हमें छोड़ना है उसे, 2 घंटे पहले नहीं, 2 घंटे बाद में, पूरे 2 घंटे हमें अपने अप्लाई करके छोड़ दो। 2 घंटे के बाद सेम वही मेथड, आधी बाल्टी गुनगुना पानी, 1/2 ग्लास कच्चा दूध और 1 चम्मच शहद, हमें इस पानी को दोबारा उसी जो हमारे बालों में दही लगी होगी, दही और एग, उसे निकाल देना है। उसके बाद जो आपका कर्ड कंप्लीट निकल चुका होगा, बिल्कुल निकलने के बाद आपने उस दिन शैम्पू वॉश नहीं करना। शैम्पू वॉश आप 1 या 2 दिन के बाद भी कर सकते हो। कहेंगे आपके बालों में स्मेल रहेगी, स्मेल नहीं रहेगी आपके बालों में, तो आप बहुत इजीली घर बैठे बहुत अच्छा हेयर स्पा कर सकते हो। आप इस हेयर स्पा के बाद अपने बालों में बहुत ज्यादा सुधार लाएंगे और इसे करने के बाद आपके बालों में शाइन प्लस सॉफ्टनेस, और घर बैठे हेयर स्पा कर सकते हो और सेव मनी कर सकते हो।